वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो भी जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मेरा पार्ट वन है, जो मंदिर डेकोरेशन मेरा जो है छूट गया था, वो उसको मैं किस तरीके से कंप्लीट करूंगी। जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या सामान इस बार लेकर आई हूँ। सामान मेरे पास पहले भी था, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से अपना जो है मंदिर वो डेकोरेट करूँ। तो अभी मैं कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीके का सामान लेकर आई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ पहले इसकी सामान क्या क्या है और उसके बाद मैं डेकोरेशन स्टार्ट करती हूँ। मैं कुछ ऐसी फूल माला लेकर आई हूँ और ये कुछ फूल पत्तियों वाली लाई हूँ और ये इस तरीके से लेकर आई हूँ, रुद्राक्ष वाली लेकर आई हूँ। ये इस तरीके से है, इसको आप बड़ा भी लगा सकते हो एंड छोटे से लगा सकते हो, ये भी इस तरीके से ही है। वहाँ मेरे पास ये बॉल्स हैं, ये बहुत चमकती हैं, ये कुछ बॉल्स मैं लेकर आई हूँ। ये कुछ मटकियाँ हैं जो मैंने खुद अपने घर पे डेकोरेट किए हैं और ये बॉल्स स्माइली वाली बॉल्स मैंने परचेज की हैं, बट ये जो मटकियाँ हैं वो मैंने खुद अपने घर पे डेकोरेट की हैं। सारी अलग अलग तरीके से मैंने डेकोरेट की हैं कलर करके, और उसके बाद मैंने इन पे ये सब मार्केट से परचेज किया है, मैंने जस्ट इनको ग्लू से चिपका दिया है। उसके अलावा कुछ मिरर से, कुछ स्टिकर से, इस तरीके से मैंने इनको जो है डेकोरेट किया है, आप देख सकते हो। तो ये भी मैं सोची हूँ कि मैं अपने मंदिर में ही रख दूँ, क्योंकि गोपाल जी से रिलेटेड है ये भी और मेरा मंदिर भी गोपाल जी का ही है। कि वाली हमारे पास माता यशोदा हैं जो अपने लल्ला को लेकर पानी भरने जा रही हैं, तो ये भी मुझे मार्केट में कहीं पे बहुत सुंदर से दिख गई, तो मैंने ये परचेज कर ली। इसको मैं अभी अपने जो है मंदिर में सजाने वाली हूँ।
जन्माष्टमी स्पेशल मंदिर जो है वो तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको ये बाहर का दिखा रही हूँ। बाहर का तो ऐसा है, और अब मैं दिखाऊंगी अंदर का। ये देखिए सब कुछ कान्हा जी की पसंद का जो है इसमें मैंने ऑर्डर किया है। छोटा भैया मोर पंख और आई लव यू देखिए क्या है। तो भी हम डांस कर रही हैं और ये उनका पानी भैया उनकी जूते रंग के कपड़े और ये है इनकी बांसुरी किसी भी टाइप की नहीं आता है। और थैंक यू करते हैं डेकोरेशन यूज़ करा है सब कुछ। ये भी बहुत प्यारी लग रही हैं। ये मुझे आइडिया दिया था कविता भाभी ने, तो थैंक यू कविता भाभी इसके लिए। और ये सब मैंने लगा दिया है। स्टार्स हैं ये भी लग गए हैं हमारे। लाके भी दिखा दूंगी। ये मंदिर तक जा रहे हैं और झूला भी ऊपर रखा है क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो मंदिर में नहीं आ रहा। तो इसकी डेकोरेशन जन्माष्टमी स्पेशल डेकोरेशन अलग है। ये अभी जन्माष्टमी स्पेशल मंदिर डेकोरेशन है। तो अभी इन सब में जो है लाइट जलती है दोनों बांसुरी में और स्टार्स में। तो मैं अभी आपको जला के दिखाऊंगी कि कैसे है ये। इसके लिए एक जो है मंदिर की रोशनी के लिए स्पेशली मैंने एक जो है टेबल लैंप किया है जो सिर्फ मंदिर में चलेगा और उसके लिए जो है उसमें रोशनी रहेगी। कंप्लीट हो गया है बट मेरे पास एक गोपी सेट है तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा है वो मैं कहाँ लगाऊं। हालांकि मैंने पीछे बैकग्राउंड में लगा दिया है लेकिन मेरे पास और भी बहुत सारी हैं तो मैं अभी स्पेस नहीं बचा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो कल मंदिर की अलावा जो मैंने डेकोरेशन करनी है जहाँ कान्हा जी पर बैठेंगे तो मैं उसमें जो है गोपी सेट लगाऊं। और अगर मैं कान्हा जी को बिठाने के बाद थोड़ा सा स्पेस मिला तो मैं दो चार लगा दूंगी। वो जो टेडी बियर है वो थोड़ा सा स्पेस ले रहा है मंदिर में। आप लोगों का क्या कहना है कि मुझे वो लगाए रहना चाहिए या फिर मैं उसे हटा दूं? अभी फिलहाल मैंने हटा दिया। मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ कि मतलब लगाऊं क्या नहीं लगाऊं। तो ये सब मैंने रुद्राक्ष और ये मालाएं ये सब लगा दिया है। थैंक यू जो उस दिन भी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि मैं मंदिर की डेकोरेशन कैसे करूं। मैं तो बहुत कंफ्यूज थी एक्चुअली। ये जो है हम यहाँ पर अपने छोटा बाबू को लड्डू बाबू को और राधा रानी को बिठा देते हैं। उसके बाद लाइट वाला जो सीन है मैं आपको वो दिखाऊंगी। के लिए हमेशा कोई ना कोई गिफ्ट आता रहता है कहीं कहीं से। तो आज एक और गिफ्ट आया है, देखते हैं इसमें क्या है। लड्डू बाबा के देखते हैं क्या आया है। ओ वाओ गणपति जी आए हैं हमारे घर में। गणेश चतुर्थी भी आने वाली है, उससे पहले ही हमारे घर में जो है गणपति पापा आ गए हैं। मिला है लड्डू को मेरी मदर इन लॉ से, वो मेरे लिए लेकर आई हैं। ये अपने मंदिर में जल्दी से हैं हम सजा देते हैं इसका। ये एक आई गेस निकल गया है बट इसको हम चिपका देंगे अभी। चौकी चौकी है ये और ये हमारे क्यूट से लिटिल पप्पा हैं। इनको विराजमान करा देते हैं जन्माष्टमी स्पेशल गिफ्ट, विराजमान करा देते हैं यहाँ अपने घर के मंदिर में। आज जन्माष्टमी पर आ गए हैं गणपति बप्पा। अब मेरा मंदिर जो है बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। और ये मंदिर मेरा कंप्लीट हो गया एक्चुअली। गणपति भी आ गए हैं हमारे घर में तो बहुत मतलब बहुत एक सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग आ रहा है मुझे। तो ये कंप्लीट मंदिर लुक है ये मेरा बिना लाइट वाला। लड्डू बाबा तो बड़े सोने लग रहे हैं मंदिर में बैठ के, मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इनको पता है इनका कल बर्थडे है तो इन्हीं के लिए सब कुछ स्पेशल हो रहा है। रानी भी मुस्काई, लड्डू बाबा भी मुस्काई, देखो जी देखो सोने सोने मंदिर में कैसे सज रहे हैं बिहारी जी अपनी राधा रानी के साथ। कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है बस मैं इन्हीं को देखती रहूँ। मेरे साथ हमेशा ही पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि बस मैं अपने लड्डू बाबू को देखती रहूँ। तो अपने नए मंदिर में ये बहुत खुश हैं कि सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो जो भी लड्डू बाबा को पसंद है। इनकी गोपियाँ भी हैं और इनकी राधा रानी भी है और इनकी गैयाँ, सब कुछ है यहाँ पर। जल्दी से मैं आपको ये सारी लाइट्स ऑन करके दिखा देती हूँ कैसी लग रही हैं। और यहाँ पे मंदिर वाली लाइट अभी बाकी है तो मैं सारी साथ में दिखाती हूँ आप लोगों को। ऊपर झूला रखा है ऊपर, ये हमारा, इसको हम इस्तेमाल कल करेंगे और कल हम अलग से भी डेकोरेशन करने वाले हैं। तो ये है हमारा आफ्टर लाइटिंग वाला मंदिर। ये हमने सारे यहाँ पर ये जो है यहाँ पर जो है पूरे कर्टन्स पर स्टार लगा दिए हैं और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है अपने मंदिर से। और मंदिर में भी हमारे यहाँ पे जो बांसुरी है इसमें ये लाइट चलती है, डिस्को लाइट्स, यस। तो ये है हमारे मंदिर का फुल लुक एंड आई एम लविंग इट। आई एम सो प्राउड कि मैंने इतनी अच्छी डेकोरेशन कर दी इतने कम टाइम में। और ये आइडिया भी पता नहीं कैसे आ ही जाता है, बस गोपाल जी की कृपा है हमारे पास। लाइट जलने के बाद भी आप देख सकते हो क्योंकि मैं हर व्यू दिखाती हूँ अपने व्यूअर्स को, आप देख सकते हो। मैंने रूम की भी लाइट जगा दी है तो आप देख लीजिए कैसी लुक लग रही है मंदिर की। आई गेस लाइट बंद करने के बाद ज्यादा खिल रहा है, स्टार्स की ज्यादा अच्छी चमक है और ये अपनी डिस्को लाइट से बहुत चमक रही है। अभी तो पता ही नहीं चल रहा क्योंकि ज्यादा रोशनी मिल रही है। सो ये आफ्टर लुक है, ये भी अच्छी लग रही है। बाकी आप लोग बताइएगा गाइस कैसी है ये वीडियोस, आई मीन ये डेकोरेशन कैसी है। गाइज अगर आपको मेरा ये मंदिर डेकोरेशन का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और कोई आइडिया अगर आपके पास हो तो आप मुझे ज़रूर शेयर कर दीजिए। आपने अपना मंदिर किस तरीके से डेकोरेट किया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय, राधे कृष्णा।